हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। नमस्कार दोस्तों, एडिटर दे की जवाब के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो साथियों, बातचीत करें वो समय आ गया है फिर से। और हाँ, क्या हालचाल हैं आपके और आपके गांव घर के? आप लोग थोड़ा लगता है सवाल भेजना कम कर दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल भेजा करिए तो बातचीत करने में अच्छा लगेगा। खैर, अब हम शुरू करते हैं। पिछला 15 दिन मैं पलट करके देखती हूँ कि क्या रहा। तो जो मैंने देखा साथियों, पिछले 15 दिन में थोड़ा झकझोरने वाला ये समय रहा है, क्योंकि मैंने 2-3 ऐसी घटनाओं को रिपोर्ट किया जो रुला देने वाली रही हैं। मैंने बांदा में एक घटना देखी कि 2 साल के बच्चे के साथ में रेप किया गया। उसकी माँ जब बच्चे को खून से लथपथ लेकर अस्पताल पहुँचती है, प्रशासन भी उमड़ आया और उस व्यक्ति को तुरंत में जेल भेजा गया। कार्रवाई तो हो गई है, उसको सज़ा भी हो गई है, लेकिन छोटी सी मासूम बच्ची जिस तरह से दर्द के मारे कराह रही है, अभी भी हॉस्पिटल में है। और बलात्कार के विरोध में बांदा जिला के 2 मुस्लिम औरतों ने अभियान चलाया। उन्होंने शांति के लिए उस लड़की के लिए कैंडल मार्च निकाला रात में। मैं भी उस कैंडल मार्च में शामिल थी, लेकिन मैंने देखा कि उस कैंडल मार्च में छोटी छोटी मुस्लिम बच्चियां हैं, महिलाएं हैं। चूँकि वो मुस्लिम समुदाय का केस था, जिस लड़की के साथ में रेप किया गया है वो मुस्लिम समुदाय की थी, और उस कैंडल मार्च में कोई भी अन्य समुदाय के लोग नहीं जुड़े हैं, कोई भी पार्टी के लोग नहीं जुड़े हैं। हालांकि प्रशासन भी इतना ज़्यादा उस कैंडल मार्च में नहीं था। पूरे बांदा में 3-4 जो चौकी हैं वहां पर गए और उनका घेराव करके नारेबाजी हुई। मैंने ये भी देखा कि मीडिया का कितना बड़ा भेदभाव वाला रोल यहाँ पर था। सब मीडिया को पता होते हुए भी मीडिया वहाँ पर मौजूद नहीं थी, लोग रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं गए। तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। ये जिस तरह की दूरियाँ हैं, जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, और आप किस तरह से उसको समुदाय में बांट देते हैं, आप सपोर्ट नहीं करते हैं, आप सहयोग नहीं देते हैं, तो ये मेरे लिए कष्टदायी रहा है। और इसलिए मैं यहाँ पर बात करना ज़रूरी समझी हूँ कि मैं कहीं ना कहीं इस आवाज़ को पहुँचाऊँ। दूसरी एक और घटना की रिपोर्टिंग जो हमने की, एमपी के शिवपुरी में 2 बच्चों को हत्या कर दी गई। ये खबर मीडिया में आई और मीडिया ने जम के लिखा कि बच्चे शौच करने के लिए गए थे और गांव के लोगों ने पीट पीट करके मार डाला और इसको सीधे ODF से जोड़ दिया गया। हम भी वहां पर पहुंचे कवरेज करने के लिए, उसकी सच्चाई जानने के लिए। हमें मामला एकदम उल्टा मिला है। खैर, इसकी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी खबर लहरिया की जो स्टोरी है आप ज़रूर से देखिए। हालांकि ये जो मासूम बच्चे हैं जिनकी हत्या कर दी गई, एक और जो मासूम बच्ची है जिसके साथ में बलात्कार किया गया, इन घटनाओं को देख करके दिल बहुत दुखित होता है, गुस्सा भी आती है, क्रोध भी आता है। लेकिन मैं इनमें और लोगों की आवाज़ें नहीं सुनती हूँ। जब ये मुद्दा दलितों का, मुसलमानों का बन जाता है, तो इसमें बाकी और तरह की पार्टियां या समुदाय के लोग कोई भी इसमें बातचीत नहीं करता है। साथियों, आपको क्या लगता है? जब आप लोग इस तरह की घटनाएं पढ़ते हैं, देखते हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, आप अगर सरकार से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से सवाल करिए, मैं उसका जवाब दूँगी। आप ज़रूर से इसमें अपने सवाल भेजिए। तो साथियों, अब शुरू करती हूँ आप लोगों के द्वारा भेजे गए सवाल और देती हूँ उसका जवाब। इससे पहले बता दूँ कि हमने अलग अलग तरह की स्टोरियाँ इन 15 दिनों में करी हैं, खासकर कुछ पॉजिटिव खबरें भी हमने कवरेज की है, जिसमें से था कि कबड्डी का खेल। इस खेल में हमने महिलाओं से जाकर के मिले, चूँकि पुराने ज़माने में या पहले जब महिलाएँ खेलती थीं, मज़े लेती थीं, कुछ उसमें लिए अपना मनोरंजन भी करती थी, लेकिन ये खेल अब लुप्त होता जा रहा है। तो हम ऐसी महिलाओं से मिले कि अब वो क्या सोचती हैं अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने मनोरंजन के बारे में, अपने खेल के बारे में,
ऐसी स्टोरी हमने किया और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो जो भी लोगों के कमेंट आए हैं, ज़्यादातर कमेंट एक ही जैसे हैं, तो मैं मतलब नाम सबके नहीं अभी पढ़ रही हूँ, बस ये बता रही हूँ कि सब ने ये लिखा है ज़्यादातर लोगों ने कि उनको बचपन की यादें ताज़ी हो गई हैं। और हाँ भाई, मुझे भी अपने बचपन की यादें ताज़ी हो गई हैं, क्योंकि मैंने भी कबड्डी खो खो बहुत बचपन में खेले, बहुत खुलापन मैंने महसूस किया है जो आज के ज़माने में मैं नहीं देख रही हूँ। जिस तरह से लड़कियाँ महिलाएं बंध गई हैं, उनको अपने घर के काम में इतना ज़्यादा बांध दिया गया, इतनी ज़्यादा आज़ादी छीन रही है, तो एकदम से अपने बचपन की याद तो आ गई है। और हाँ, एक स्टोरी और हमने की है, वो भी मैं उसको पॉजिटिव ही कहूँ, कि एक लड़की है जो पंचड़ बनाने का काम करती हैं। पंचड़ इसलिए बनाती हैं चूँकि उनका सपना है कि वो पुलिस बने, और अपने सपना को पूरा करने के लिए अपने पापा के साथ में वो जुट गई हैं पंचड़ बनाने के लिए, ताकि वो अपने सपनों को साकार कर पाएँ। और बहुत आप लोगों ने इस स्टोरी को पसंद किया है, बहुत लोगों ने इस लड़की को सलाम बोला है, बहादुर बोला है, और मुझे अच्छा लगता है जब आप लड़कियों का हौसला बढ़ाते हैं, उनके बारे में इस तरह से अच्छा बोलते हैं, अच्छे कमेंट भेजते हैं, तो अच्छी बात मुझे इसमें भी लगी। तो कुछ अब मैं सवाल पढ़ना शुरू करती हूँ। हमने बहुत अलग अलग तरह की कुछ बड़ी स्टोरियाँ भी की हैं। अब इसमें से हमने एक स्टोरी की थी, चूँकि जब बुंदेलखंड में बाढ़ आई थी और बाढ़ की वजह से सब लोग बाढ़ की स्टोरी कर रहे थे, वीडियो फोटो डीएम की और ईएसपी की और सब चीज़ दिखा रहे थे, अब इस स्थिति में हमें लगा कि बाढ़ की जो आपदाएं हैं, जिस तरह से लोग परेशान हैं, सब लोग तो कर रहे हैं, लेकिन खबर लहरिया की हटके खबर क्या होगी, हम भी अगर उसी में बह जाएं तो फिर ठीक नहीं है। हम पहुंचे जा करके कि जो गांव के लोग सड़क किनारे रह रहे हैं, जो ऊँचाइयों में रह रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, और ख़ासकर हम महिलाओं की स्थिति को जानने के लिए निकल पड़े। जब हमने रोड किनारे रहने वाली जो अपना घर छोड़ के महिलाएं बसी थीं, लड़कियों से हमने जा कर के मिले, हम उनके स्वास्थ्य पर और जो उनकी और भी तरह की दिक्कतें हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करी। और ये स्टोरी जब पब्लिश हुई है, 15,000 से ज़्यादा लोग इसको देख चुके हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, कुछ इसके कमेंट्स आए हैं जिन लोगों ने भेजा है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि इस तरह के कमेंट्स भी आप लोगों ने किया है, कम से कम हमारे स्टोरी के बाद जो आपके अंदर में सवाल है, जो मन में चीज़ें हैं, जो दिमाग में भरी हुई हैं, उभर करके तो आई हैं। तो जो सवाल भेज रहे हैं, उनका नाम है नौशाद अहमद। नौशाद अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको सवाल करने के लिए, मैं आपका सवाल कैमरे के सामने पढ़ रही हूँ। तो इनका सवाल है, सब तो ठीक है पर कुछ सवाल गलत करती हो तुम, पर्सनल सवाल वो भी कैमरा के सामने, ये ठीक नहीं लगता, आगे से थोड़ा ध्यान रखना रिपोर्टर्स। तो हाँ, ये जो सवाल है, और बाद में जब ये सवाल हमारे YouTube के कमेंट्स बॉक्स में आया, तो मैंने इनसे बहुत सारी चर्चा करी और मैंने जानना चाहा कि आखिर वो सवाल क्या है। तो इसमें जब उनकी मेरी बातचीत होना शुरू हुई, तो मुझे समझ में, अच्छा ये सवाल है, क्योंकि हमने जो सवाल किया था, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जब उनको पीरियड आता, मतलब जब महीना आता है, उसमें उनको किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, जहां पर प्रशासन खाने की व्यवस्था कर रहा, रहने के लिए पन्नियां डाल रहा है, वहां पर जो महिलाएं हैं, जिनकी अंदरूनी समस्या हैं, उससे किस तरह से जूझ रही हैं, जो किसी को दिखती नहीं। हमने कैमरे के सामने सवाल पूछा कि जब पीरियड आता है तो किस तरह की दिक्कतें होती, उनको पैड मिले हैं कि नहीं मिले हैं, प्रशासन क्या खाना बस दे करके गया है, या ऐसी व्यवस्थाओं की भी उनको चिंता है। और लड़कियां महिलाएं बहुत आराम से अपनी समस्या को बता रही हैं कि उनको नहीं मिला, वो कपड़ा यूज करती हैं, उनके पास पैड नहीं है, आशा आती नहीं है, यहाँ पर ना ही हैं। तो ये जो महीना का होना, पीरियड का होना, एमसी का होना, और ऐसा सवाल खुले कैमरे में जब हम पूछते हैं ऑन कैमरे में, और जब महिलाएं लड़कियां इसको बोलती हैं, तो आप लोगों को इतना बुरा क्यों लगता है, ये सवाल क्यों आपने किया कि अच्छा नहीं लगता, मैं जानना चाहती हूँ और मैं बताना भी चाहती हूँ। और इसीलिए हमने ऐसे सवाल किया कि एक खून की बूंद से, जब महिलाओं को पीरियड होता, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह की प्रॉब्लम, दिक्कतें महिलाएं पीरियड के दौरान झेलती हैं, जब उनका खून निकलता है, कितना कष्ट झेलती हैं, और उसके बाद भी घर को संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, पूरे परिवार को संभालती हैं, सारा काम करती हैं। और भाइयों,
जिस तरह का सवाल आप लोग कर रहे हो ना, इसी खून से, इसी पीरियड से आप लोगों, इसी पीरियड के आने के बाद आप लोगों का जन्म होता है। आप इतना पल बढ़ के आज उसी पीरियड के बारे में आप बोल रहे हो कि ऐसा सवाल क्यों कर दें, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगे अब आप लोगों को, अपनी सोच को सकारात्मक करिए। अगर पीरियड नहीं होगा तो दुनिया नहीं बढ़ेगी। पीरियड के बाद ही आज ये दुनिया बनी है, संसार बढ़ा है, और आप लोग सीना चौड़ा करके इस तरह के सवाल करते हैं। तो मेरा ये भी है मकसद कि ऐसी स्टोरियाँ भी हम आप तक पहुँचाएँ, ऐसे सवाल भी करें जिसमें चर्चा हो, और आप अपनी सोच को सकारात्मक करें। आप पीरियड के ऊपर आप बात करिए, जो आपके घर में माँ हैं, बहन हैं, आपकी बीवियाँ हैं, आप कम से कम उनको भी समझिए, उनकी समस्याओं को भी समझिए। जो मीडिया इस तरह के सवाल नहीं करती, वो सवाल खबर लहरिया करती है। तो मेरा जवाब यही है इसमें। ताकि पुलिस बनने का सपना हो पूरा, इसलिए पंचड़ बनाने लगे, ये वाली के बारे में पहले भी आप लोगों से भी बातचीत करी हूँ। इस वाली स्टोरी में एक और कमेंट आया है जो हटकर है, और वो खबर लहरिया के लिए सवाल किया गया है। सवाल मैं पढ़ना चाहती हूँ। चिपिया मऊ नाम के व्यक्ति हैं, और इन्होंने जो सवाल भेजा है, इनका सवाल है, आंगनबाड़ी जिन्हें सरकार देश का कर्णधार मानती है या सोदा माँ का दर्जा देती है, लेकिन वहीं आंगनबाड़ी बहनें विभाग के साथ साथ गैर विभाग का काम भी करती हैं, लेकिन सरकार की अपेक्षा के चलते भुखमरी का दंश झेल रही हैं, उनके बारे में भी आवाज़ लगाओ, क्योंकि आप लोग भी महिला हो, हर जगह पहुंचती हैं आप लोग, पर क्या इनका दर्द आप लोगों को नहीं दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको सवाल भेजने के लिए। बिल्कुल, हम महिलाओं से ज़रूरी नहीं है कि हम महिलाएं हैं तभी हमको महिलाओं का दर्द दिखेगा। हम महिलाओं का भी दर्द देखते हैं, ग्रामीण का भी देखते हैं, हाशिए पर रहने वाले लोग हैं उनका भी दर्द देखते हैं, और देश में जो चीज़ चल रही है, जहाँ पर बहुत कम लोग बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, वो दर्द भी हम महसूस करते हैं और हम उस पर सवाल उठाते हैं। तो हमने इससे पहले भी कई स्टोरी आंगनबाड़ियों के ऊपर की है। अभी हाल ही में एक हमने बहुत बड़ी स्टोरी की है आंगनबाड़ी की, आप खबर लहरिया यूट्यूब में जा कर के देख सकते हैं। लेकिन आप अगर हमें जगह का नाम बताएं कि आप कहाँ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम अपने रिपोर्टर्स को भेज के वहाँ की कवरेज हम ज़रूर से कराएंगे। तो आप इसी तरह से अपने इलाके के सवाल भेजते रहिए, ताकि हमें उन इलाकों की जानकारी भी पहुँचती रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको सवाल भेजने के लिए। तो साथियों, एक और स्टोरी हमने की है जो ख़राब सड़कों के ऊपर है, क्योंकि इस समय बरसात का सीज़न है और जो गांवों में कच्चे संपर्क मार्ग हैं, गांव के अंदर में खड़ंजे नहीं बिछे हैं, और जो सड़कें हैं वो कितना ख़राब है, किस तरह से कीचड़ गांव में भरा हुआ है। इस स्टोरी को करने के लिए हमको चित्रकूट ज़िला के परसौंजा गांव में बुलाया गया। जब हमारी रिपोर्टर्स गई और वहाँ की सीन को अपने कैमरे में कैद किया, वहाँ की दयनीय हालात देखते ही बनता कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और बाकी लोग उस कीचड़ से रास्ता को पार करते हुए अपना रोजमर्रा का काम करते हैं, कितनी मुसीबत झेलनी पड़ती है। इस स्टोरी का जो टाइटल था, चित्रकूट कच्ची सड़क पर गिर रहे लोग, देखिए गांव पर सौंजा से, इसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है और इसमें काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं। मैं एक सवाल पढ़ना चाहती हूँ। ये सवाल जिन्होंने भेजा है, इनका नाम है अंकित कुमार। अंकित कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने इतना लंबा सवाल इतना अच्छे से किया है। मैं आपका सवाल यहाँ पर पढ़ना चाहती हूँ। तो जो सवाल आपने भेजा है उसको मैं पढ़ना चाहती हूँ। सवाल है कि यह बीजेपी का विकास है, बुंदेलखंड में ऐसा ही रहेगा। बनारस और मथुरा की जो सड़कें हैं वो चमक रही हैं, हमारा बुंदेलखंड में कोई भी इस तरह का विकास नहीं है। जैसा विकास पहले था वैसा विकास आगे भी रहेगा। तो जिस तरह से आपने सरकार के ऊपर सवाल उठाए हैं, जिस तरह की स्टोरी हम करते हैं, और हमारे स्टोरी में जो ज़मीनी हकीकत वास्तव में दिखती है, तो मैं आपके सवाल से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जितना ज़मीनी स्तर पर काम होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ है। हाँ, जो आपने कहा है कि बनारस की और मथुरा की जो सड़कें हैं वो चमक रही हैं, तो चूंकि वो सड़कें इसलिए चमक रही हैं क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े लोग चार पहिया गाड़ी से चलते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर आवागमन राजनेताओं का,
अमीरों का होता है। अब भैया जो गांव की सड़कें हैं वहाँ काहे का सरकार बनवाई हूँ, तो गरीब जनता रहा थी, गांव की जनता रहा थी, जिनसे कोनो मतलब सरकार का नहीं है। नहीं जब बरसात आने वाली है तो कम से कम हुआ तो अच्छा विकासों का चाहिए। हर साल बरसात आती है, हर साल यह स्थिति रहा थी। तो ऐसा सवाल जो आपने भेजा और मैं आपके जरिए मैं भी कहना चाहती हूँ सरकार से भी कि कम से कम इन गांवों का, गांव से शहर बनता है, शहर से गांव नहीं बनता है, तो आप सबसे पहले गांव के विकास का ध्यान दें, जो अंकित कुमार जी कह रहे हैं और मैं भी कह रही हूँ और बाकी जनता भी चिल्ला रही है। तो साथियों अभी के लिए मैं यहीं पर अपना शो और अपनी बातचीत को समाप्त करती हूँ। ये वाला शो आप लोगों को कैसे लगा आप ज़रूर से अपने सुझाव और टिप्पणी मुझे लिख करके भेजते रहिए। आप खबर लहरिया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि मेरा हर शो आप तक पहुंचता रहे। तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं नए सवालों के साथ में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।